शौच करने नहर की तरफ गई, एक महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। मृत महिला सारण जिले के गरखा थाना अंतर्गत कुदरबाघा गांव निवासी केशोराम की 39 वर्षीय पत्नी गीता देवी बताई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज अलसुबह वह शौच करने के लिए नहर की तरफ गई थी, जहां अंधेरे में पैर फिसलने के कारण वह नहर के गहरे पानी में चली गई। हालांकि उस दौरान अन्य महिलाओं के द्वारा गाँव वालों को सूचना दिया गया, लेकिन जब तक उसे नहर से निकाला जाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट हलचल न्यूज 24 छपरा। क्या घटना, कैसे घटना हुई है? घटना हुआ है कि सुबह मॉर्निंग में करीब लमसम बज रहा था 4:30, उसी समय में शो करने के लिए गई थी। अब बगल में घर के थोड़ा सा दूरी पर नहर है, उसमें पानी भरा हुआ है। भरने के बाद मैंने वो उसके गोर पर पैर से स्लिप गई। इसके बाद तुरंत मालूम हुआ कि हाँ ऐसा बात है, हम लोग दौड़ कर गए 10-20 आदमी, तब तक नीचे बैठ गई थी। अब उसमें से छानबीन करके हम लोग निकाले। क्या नाम है उनका, मिर्जा का? गीता देवी। कहाँ घर है उनका? कुदरबाघा थाना गरखा सारण। तो सोच करने के लिए गई थी देवी? आपको बार के बार का पानी भरा हुआ है, वो हमारी पतो लगेगी। आपका नाम? जमलाल है।